नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये भी एक फरमाइशी लेशन है, कहरवा का प्रकार 4 प्रकार 3 का कुछ वेरिएशन जो मिक्स होके यूज हुआ है। और हमारे साथ जुड़े हुए सच्चिदानंद जी हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और उनका फरमाइश काफ़ी दिनों से था। और फरमाइश इस हिसाब का था कि सर श्याम चूड़ी बेचने आया, ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग में म्यूजिक से लेके अस्थाई और स्टेंजा में जो भी बजा है कृपया उसको एक्सप्लेन कर दें। तो बजा वही सब चीज़ है जो चीज़, जिस चीज़ का लेशन मैंने बना के दिया है, लेकिन उसमें लेकिन ये है कि एक चीज़ एक नया है, थोड़ा सा मैं बताया हुआ हूँ लेकिन उसका वेरिएशन थोड़ा अलग है। एक चीज़ जो उसमें है, दूसरा है कि जगह तलाशना चीज़ों को बजाने के लिए। आप बहुत सारा चीज़ अगर कलेक्ट कर भी लेते हैं तो जगह खोज के जगह के साथ बजाना, पॉइंट टू पॉइंट बजाना, तो ये देखना है वो तमाम ठेका जो इस रिदमिक गीत में कहरवा का 3 और 4 का बहुत लाजवाब का उदाहरण इस गीत में भी है। पूरा वीडियो देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ म्यूजिक अस्थाई और अंतरा में जो भी मुख्य वेरिएशन है उसको मैं बताने का। साथ ही साथ अपने तरफ से एक क्रिकेट कटान मैं बता दूंगा जिसका उपयोग इस गीत के जरिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही उपयोगी होगा और काफ़ी गीतों में आप उसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं म्यूजिक मतलब शुरुआत से लेके और अंतरा एस्टेंजा तक, और इवन मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट जो तिहाई होता है वो भी बता दूँ, हालांकि तिहाई का लेसन बनाने वाला हूँ मैं, तो पूरा वीडियो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, जब ये गीत शुरू होता है, जब मैं इस गीत का लेसन बनाऊँ किसी भी गीत का तो उस गीत को एक बार ओरिजिनल उसका एक बार ज़रूर सुन लीजिए तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो मैं शुरू करता हूँ कि गीत जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या बजा है, किस हिसाब से स्टार्ट हुआ है, और फिर गीत का पॉइंट जब आता है वहाँ से क्या क्या बजा है, तो उस हिसाब से पूरा वीडियो आपके समझ में आ जाएगा। कहरवा लेवल 4 से गीत का स्टार्टिंग है, म्यूजिक से है तो डायरेक्ट कहरवा लेवल 4 से स्टार्ट किया गया है। ये बजते बजते एक कटान आता है, ये तो बताया हुआ है, आप लोगों को पता है, जो नए लोग हैं वो पीछे का लेसन जब देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक में दे दूंगा कहरवा 3 और कहरवा 4 का, ये सारा चीज़ विधिवत बताया हुआ है। तो ये ठेका बज रहा है लेकिन बजने के साथ गीत के पॉइंट के हिसाब से एक बीच में कटान भी लिया गया है, उसको उठान भी कह सकते हैं, उठान लिया गया है। तो वो उठान क्या है साउंड के साथ सुन लें, ये चल रहा है गे तिता गे तिता गे तिता गे तिता गे तिता गे तिता, तो ये बीच में बजा है। तो बीच में बजने के साथ फिर कहरवा लेवल 4 ही चला है इसको, आप ये म्यूजिक का पार्ट है। तो ये जो बजा है इसको देख लें, बताया हुआ हूँ तकेन ता तकेन तकेन ता तकेन तकेन ता तकेन तकेन ता तकेन, ये लेके फिर कहरवा में ही चला है। तो इस हिसाब से पूरा बजाइएगा, ये कहरवा लेवल 3 में घुसा है और कहरवा लेवल 3 का कवाली स्टाइल चाटी स्टाइल बजा है। तो मैंने कहा था कहरवा 4 जब स्लो बज रहा है तो कहरवा 3 का सहयोग पूरे गीत के अंदर बहुत बहुत गीतों में ऐसा किया गया है और कर सकते हैं आप भी। तो कहरवा 3 का जो पार्ट बजा है ये बताया हुआ है, तो इसमें कुछ है नहीं, ये प्रकार और है इसमें जो आपको देखना चाहिए, देखना पड़ेगा क्योंकि वो स्टेंजा में प्रयोग हुआ है। तो ये कव्वाली स्टाइल में धे धे पीता पीता ता ते धी धाता ते धी धाता ते धी
कारवा लेवल 3 का चीज़ है, जाके देख लीजिएगा। तो स्टार्ट हुआ कारवा लेवल 4 से, कटान आया, फिर 4 में गए और फिर एक सिंपल सा उठान लेके दादा 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 दादा, और उसके बाद वो कव्वाली स्टाइल आता है। तो यहाँ ये दबा से मारते हैं तो भी, यहाँ मारते हैं तो भी, दोनों स्थिति में ये बचता है। दोनों कव्वाली स्टाइल में बताया हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। इतना बजने के बाद फिर गीत का लाइन शुरू होगा अस्थाई का। अब देखेंगे कि अस्थाई का लाइन जब शुरू होता है तो उसमें क्या प्रयोग हुआ है। एक बार शुरू से देख लें, फिर गीत तक पहुंचते हैं अपने आप आपको पता चल जाएगा। जैसे चल रहा है मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया का इस हिसाब से 4 चलते रहता है। तो छोटा सा एक, चूंकि जो स्टूडियो में बजा है, जब लाइव आप बजाइएगा तो जब प्रैक्टिस करिएगा ही, तो थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ मैं बता देता हूँ, इसको लेके आप गीत को और खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे गीत चल रहा है मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया का, तो इस हिसाब से कहाँ से उठाना, ये है तिरके तिरके टकता तिरके ये बहुत जगह प्रयोग में ला सकते हैं गीत का, जिस हिसाब का मोड है। तो लेकिन पॉइंट कहाँ पे है ये देखना है। निहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया आ, श्याम चूड़ी बेचने आया का जो आ आता है वहां से तिरके तिरके टकता तिरके सेकंड था, तीसरा था आपका, फिर सम पे पहुंच जाएगा। फिर से देख लें, मनिहारी का ये चलते रहेगा, तो अस्थाई पूरे अस्थाई में आपका ये चलेगा। अब देखते हैं कि अस्थाई खत्म होने के बाद म्यूजिक में क्या बजा है, तो म्यूजिक में देख लेते हैं और फिर अंतरा में जो वेरिएशन सीखना है अंतरा में जब चलेंगे तो वो भी देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कि म्यूजिक में क्या बजा है। म्यूजिक के अंदर वैसे नए लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, चूँकि जो चीज़ कारवा 4 में चल रहा है उसमें 2 का भी प्रयोग, चूँकि पैड का रिदम है तो पैड भी सपोर्ट कर रहा है, ढोलक भी बज रहा है, तो वो फ्लेवर जो आ रहा है वो कारवा लेवल 2 फास्ट कारवा लेवल 2 का रिदम आ रहा है, लेकिन बहुत फास्ट आ रहा है, तो उसको अगर हो सकता है तो बजाइएगा और नहीं तो 3 बजाइएगा। मैं दोनों चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ला 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 ला। लेवल 3 और 2 दोनों बजाए, तो 3 में आपको फास्ट करके बजाना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग है म्यूजिक, फिर 3 में आ गया, ये चलते रहता है, और 2 और 3 मिक्स होके 3 म्यूजिक में आप बजा लीजिएगा। फिर आता है एस्टेंजा का पार्ट, तो एस्टेंजा में जो वेरिएशन बजा है उसको आपको देखना पड़ेगा। मैं बताया हुआ था इस टाइप का वेरिएशन, तो फिर से एक बार देख लीजिए, चूंकि ये थोड़ा हटके है और एस्टेंजा का लाइन में गुनगुना के दिखा देता हूँ, लेकिन पहले इस वेरिएशन को देख लीजिए। धा धा ती ता ता धिट, धा धा
सकते हैं, धा ता ती, पर पूरा सुनिएगा गौर से तो समझ में आ जाएगा। खाता खाता है स्टार्टिंग में, पाया जो है सिर्फ इतना बज रहा है, यही साउंड बार बार आ रहा है, बाद में इसमें ये एड होके वो फ्लेवर बनाता है। धाता ती धाता ती धाता ती, फिर से धाता ती, फिर से धाता ती धाता ती धाता ती धाता ती धाता ती धाता ती। तो गाना में जो एस्टेंजा शुरू हुआ है, एस्टेंजा के साथ लाइन के साथ सुनेंगे इसको, म्यूजिक के साथ एस्टेंजा में जब जाएंगे तो पता चलेगा। जैसे म्यूजिक बज रहा है, ये पकड़ है, उसके बाद एस्टेंजा शुरू है, उसके बाद ये खत्म होने के बाद ये कटान है, ककेन 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 का। जैसे फिर से एक बार देख लें गीत के लाइन के साथ, झोले कंधे, फिर से झोले कंधे गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो इस हिसाब से ये है, और आप देख लेते हैं कि गीत खत्म कैसे करना है। अंतिम में गीत को फास्ट किया गया है, और फास्ट में कहरवा लेवल 4 नहीं लेके 3 को ही रिदमिक बना के एंड किया गया है, तो उसको देखेंगे। छलिया जैसे 4 चल रहा है, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, इस रिदम में अगर 3 बजाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा रिदमिक हो जाएगा। छलिया करना है तिहाई, उसमें जो लिया गया है ति पा दा दा, तो कहां से लेना है, श्याम चूड़ी बेचने आया आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, आ में तित लें आ, और उसके बाद दा दा दा, श्याम चूड़ी बेचने आया, ऑटोमेटिकली हो जाए। और दूसरा एक तिहाई और लगा सकते हैं अपने हिसाब से, श्याम चूड़ी बेचने आ, श्याम चूड़ी बेचने, श्याम चूड़ी बेचने। इस सब तिहाई तो बताया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इस हिसाब से आप लोग बेहतर तरीका से सभी लोग रियाज करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे।